हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में कोई फ़ोटो वगैरह यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे लिखा रहता है फैलेट टू फ़ोटो। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो गाइज़, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, अगर आप लोगों को मतलब जब आप फ़ोटो लेते हैं कोई भी पिक, तो अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज वगैरह यहाँ पर फुल हो जाता है, तब यहाँ पे जो जब भी आप यहाँ पे फ़ोटो को ओपन करते हैं तो लोडिंग लेने लगता है। तो ये जो लोडिंग लेता है वो जो है, अगर आपका स्टोरेज फुल हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आपको आती है। तो आपको जो है अपने फ़ोन में स्टोरेज को चेक कर लेनी है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में ये जो सेटिंग का एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन में आना है। एप्लीकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम ऐप सेटिंग पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कैमरा का एप्लीकेशन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करिए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की ओर आना है आपको, और यहाँ पे आपको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग का ऑप्शन आता है। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करो, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, हो सकता है अगर आपके कोई कैमरे में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो जो है सॉल्व हो जाती है। तो कभी कभी कैमरे में भी दिक्कत रहता है, तो जब आप फ़ोटो को जो है ओपन करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ये जो तरीका है उसको आपको अपने फ़ोन पर जो है अप्लाई करना है सही से। और उसके बाद आपको एक सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर को लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इंफॉर्मेशन पर आनी है, और यहाँ पे आपको ऐप परमिशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करिए। और यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का जो परमिशन है वो आपको फ़ाइल मैनेजर को जो है अलाउ कर देना है इस तरीके से। तो अगर आप लोग यहाँ पे फ़ाइल मैनेजर में फ़ोन के परमिशन को अलाउ नहीं करेंगे तो जो ये जो फ़ाइल मैनेजर होता है वो आपका कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो ऐसे में भी आप लोगों को जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग ये सारी सेटिंग कर लीजिए अपने फ़ोन में, तो उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी।